अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लालीज़ किचन। आज हम ज़ुकीनी ब्रेड बनाएंगे। मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए लाती रहूं मज़ेदार रेसिपीज़। ज़ुकीनी ब्रेड के लिए हमें रिक्वायर्ड है मैदा, चीनी, ब्राउन शुगर, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सॉल्ट, और ये हम नटमेग लेंगे, जायफल, इसको आप उसका छिलके को कद्दूकस कर लेंगे हम, वनीला एसेंस, दो अदद अंडे और एक कप वॉलनट का। चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश भी, ऑयल और मारू कद्दू जिसको हमने कद्दू का शिकार लिया, जिसको ज़ुकीनी भी कहते हैं। अब हम पहले ये करेंगे कि हम सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक बर्तन में पहले सब इकट्ठे डाल के उसको मिक्स कर लेंगे, जिसके अंदर हमने पहले उसमें मैदा डाल देना है, फिर चीनी और ब्राउन शुगर। और चीनी पिसी हुई नहीं है, मतलब दानेदार हमने लिया है। और इसके बाद हम इसके अंदर सारे ये बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और दालचीनी का पाउडर हम ऐड कर देंगे। इसको अब अच्छी तरीके से इन ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को आप मिक्स कर लें। जब हम मिक्स कर लेंगे तो दूसरे कंटेनर में हम अंडे फेंट के इसके अंदर वो डालेंगे। अभी आप इसमें दो अदद अंडे ले लें, इनको बीट कर लें, और साथ ही इसके हम इसमें मतलब अंडे और ऑयल ऐड करके हम इसको, और साथ ही वनीला एसेंस जो है वो ये डाल के हम इसको अच्छी तरीके से बीट कर लेंगे। ये तो बच्चे ये मारू कभी शौक से खाते हैं, लेकिन ब्रेड में बहुत अच्छा लगता है और इसमें आप इंजॉय भी करेंगे। अब हम इसके अंदर ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालेंगे दो पोर्शंस में, पहले थोड़ा सा डाल के आप इसको मिक्स कर लें। अब ये बाकी हम इसमें डाल लेंगे और इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसका प्रिपरेशन टाइम ज़रा ज़्यादा है, बट बड़ी आसान रेसिपी है। अब इसको अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। जब इस तरह की ये पेस्ट बन जाए तो इस टाइम हम इसमें कद्दूकस किया मारू कद्दू डाल देंगे, ज़ुकीनी डाल देंगे, उसको अच्छी तरह इसके अंदर फोल्ड कर लें। अब हम इसके अंदर अखरोट डालेंगे, ये ऑप्शनल है, आप अखरोट भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, चाहें तो किशमिश भी डाल सकते हैं, आपके पास तीनों ऑप्शंस हैं, और चाहें तो कुछ भी ना डालें। अब इसके अंदर हम ये जायफल ले लेंगे और इसको हम कद्दूकस करके शेड करके अच्छी तरीके से, और इसको हम डाल लेंगे। ये तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब है। अब हम पैन लेंगे, 8.5 इंच के करीब आप पैन ले लें ब्रेड का, उसको आप ऑयल कर लें या इस बटर पेपर लगा के सारा मटेरियल आप उसके अंदर आराम से डाल लें। और इसको डाल के एक आधी दफ़ा टैप कर लें, जिससे टैप करने से होता है कि जो एयर बबल्स होते हैं वो निकल जाते हैं। और फिर आप इसको 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे इसको प्री हीट करके 50 मिनट्स के लिए आप इसको बेक कर लें। क्योंकि ये मारू कद्दू की वजह से बड़ी ये ब्रेड मॉइस्ट बनती है। और ये देखें, मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितनी परफेक्ट और सॉफ्ट बनिए, और आप इसको अपनी चाय के साथ एंजॉय करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ऊपर दिए गए लिंक के जरिए सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ख्याल रखें।